ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस. तो खाली ऑफर का होना जरूरी नहीं, दैट ऑफर नीड्स टू बी एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी. सो अदर पार्टी व्हेन एक्सेप्ट दैट ऑफर इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस एंड दैट मीन्स वो आपके ऑफर से एग्री करता है, दैट पार्टी इज एग्रीइंग टू योर ऑफर. ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन ऑफर इज गिवन टू ए, ऑफर इज टू बी एक्सेप्टेड बाय ए ओनली. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ए बी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो बी कहता है नहीं तुम सी से करो. ए का ऑफर क्या है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बी कहते नहीं मेरी सहेली है सी उससे करो, तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलते. ऑफर जैसे है आगे जाके हम देखेंगे, ऑफर इज टू बी एक्सेप्टेड एज इट इज बाय द पार्टी टू इट इज गिवन. तो अगर ए ने बी को ऑफर दिया है तो बी उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा? बी ये नहीं बोलेगा कि तुम सी से बात करो, वो ऑफर का और एक्सेप्टेंस का मतलब नहीं बनता. यू गॉट इट? सो अगर ऑफर बी को है तो बी को एक्सेप्ट करना चाहिए, डी ऑन बिहाफ ऑफ बी कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर. ओके, और दूसरी बात, व्हेन द ऑफर इज गिवन टू पब्लिक, माने ऑफर बी को नहीं दिया, किसी को भी दिया है. फॉर एग्जाम्पल अभी कोई कंपनी के शेयर अभी मार्केट में कंपनी बेचना चाहती है और लोगों को बोलती है कि एप्लीकेशन करो, तो कंपनी का ही ऑफर है क्या? जिसको चाहे वो हमारे कंपनी के शेयर्स को अप्लाई कर सकता है, तो जो अप्लाई करेगा उसको कंपनी शेयर्स देगी. सो इट इज ओपन ऑफर, एनीबॉडी कैन अप्लाई. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा पिक्चरों में वगैरह मूवीज में दिखाते कि किसी बंगले का ऑक्शन हो रहा है, सो व्हेन देयर इज ऑक्शन ऑफ अ रो हाउस विद फर्नीचर, तो वहां पे सामने इतने लोग बैठे, कोई भी बोली लगा सकता है, और जिसकी बोली जिसका प्राइस जिसका बिड ज्यादा होगा दैट पर्सन विल हैव अ क्लेम ऑन दैट एसेट और फर्नीचर और वॉट एवर. So when offer is given to public, anybody can accept that from public. But when the offer is specific, for example, देखो जब हम क्लास में सवाल पूछते हैं, चलो आप में से जिसको आंसर आता है हाथ ऊपर करो, तो जो भी हाथ ऊपर करेगा उसको हम जवाब पूछते. लेकिन क्लास में जब हम बोलते कि तुम खड़े हो जाओ तुमको आंसर देना है, तो आप ये नहीं कह सकते सर ये मेरा दोस्त है मेरे ऑन माई बिहाफ ही विल आंसर, दैट इज नॉट अलाउड. फॉर एग्जाम्पल आपका प्रैक्टिकल आपका वाइवा है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर ऑन माई बिहाफ माई फ्रेंड विल गिव वाइवा. नो, when it is offered to you, that is viva, aapko hi dena. So offer is to be accepted by the party to whom it is given.